अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, मैं आपको आज एक छाइयों के बारे में जो है ना बताना चाह रही हूँ कि छाइयाँ जो है ना हमारे चेहरे पे हो जाती हैं, तो उसके लिए आप कोई भी आप क्रीम ले लें इस तरह की, ठीक है। एक क्रीम ले लें, ये आपको एलोवेरा जेल है, किसी भी प्रोडक्ट का ले लें, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन एलोवेरा जेल अगर आप फ्रेश ले रही हैं तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अच्छा, साथ में आपको ये खाली शीशी चाहिए, ठीक है। इसमें खाली शीशी में आप इजीली आप इसको सेव करके रखने के लिए, ठीक है। अच्छा, एक ये वाली क्रीम हो गई, एलोवेरा जेल हो गया, ये मिक्स करने के लिए आपको इस तरीके से इसमें मिक्स हो जाएगा। अच्छा, ये इसमें से निकालने के लिए, ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से। अच्छा, ये आपको साथ में दिखा रहे हैं जी विटामिन ई के कैप्सूल, ये किसी भी प्रोडक्ट के ले लें, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने यही लेने हैं जी, लेकिन विटामिन ई के कैप्सूल होने चाहिए बस। इजीली वो आप इस तरीके से ना इसको कट करके तो इसमें आप इजीली इंटेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें यार क्रीम डालने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, क्रीम डाल देते हैं हम पहले, सही। एक मिनट, यार मेरे पास थे पहले, एक मिनट। अच्छा, क्रीम हो गई, एलोवेरा जेल हो गया, और साथ में आपको मैंने दिखा दिया ये। अच्छा, आप ज़रूरी नहीं है, कट भी कर सकते हैं इससे और सुई से पिन भी कर सकते हैं। अच्छा, एक सुई की आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने सुई में जो है ना इससे करने है। आप सबसे पहले इसके अंदर जो है ना ये क्रीम जो है ना आप इसमें हाफ ले लें, ठीक हो गया। मैं दिखा देती हूँ आपको इस तरीके से। तो आप सबसे पहले जो है ना ये क्रीम जो है ना कोई भी क्रीम ले लें, ज़रूरी नहीं है कि यही क्रीम आपने लेनी है। ये देखें, इसको मैं इस तरीके से इसमें डालती जाऊंगी। ये देखें, जल्दी जल्दी वीडियो का हो जाता है मसला, तो मैं जल्दी जल्दी इसको आपके सामने जो है ना इसको मैं डाल रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप हाफ ले लें ये क्रीम, इसमें आपके 4 से 5 कैप्सूल बहुत होंगे। जितना अच्छा विटामिन का ई का रिज़ल्ट है, बहुत ज़बरदस्त, मैंने अपने चेहरे पे यूज़ किया है, मेरी स्किन बहुत ही अच्छी हो गई इससे माशाल्लाह से, ठीक है। ये देखें इस तरीके से, ये आप चाहे पूरी डाल लें या एक डाल लें, लेकिन हाफ़ में बना लें तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि बनाने के लिए फिर हमें हाफ ही चाहिए होता है, ठीक है। इस तरीके से, ठीक, ये मैंने इस तरीके से रख दिया है, ये आप यहाँ रख दें। अच्छा, अब इसके बाद आप ना इसमें ये बेशक इसमें रख दें, और ये साथ में आप ये एलोवेरा जेल आप इसके हिसाब से डाल दें। ये वाली बनानी है तो इसमें हमने इस तरीके से एलोवेरा जेल हम ये देखें, कि देखिए अच्छी खासी मैंने ये ऊपर से देख ले, मेजर कर ले, 2-3 चम्मच डाल दें, ज़्यादा बेहतर है। जितना अच्छा डालेंगे इतना एलोवेरा जेल का अच्छा रिज़ल्ट आता है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने एलोवेरा जेल एक डाल दी, उसके बाद मैंने क्रीम आपको दिखा दिया। अच्छा, मिक्स करने के लिए मैंने ये रखी हुई अपने पास। अच्छा, इसके बाद ये आपको मैं दिखा देती हूँ, ये इसमें विटामिन ई के कैप्सूल, वैसे तो इसमें बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, तो हम इस तरीके से इसको ये देखें इस तरीके से पिन करेंगे ना, तो ये इजीली हमारे चले जाएंगे। अब आप ये कहते हैं कि ना आप पिन से क्यों कर रही हैं, वो इसलिए कि कैंची से काटेंगे तो आधा तो ये बिल्कुल ज़ाया हो जाता है, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं डाल देती हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए इस तरीके से ताकि ये ज़ाया ना हो, और आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए ठीक हो गया, ये हो गया 2-5 डाल दें, मैं जल्दी जल्दी डाल देती हूँ। इसकी धार देख रहे, ये बड़े वाले कैप्सूल ले लिया करें ताकि आपको जो है ना ये इजीली हो जाए इसमें आपको। ये देखें क्या ज़बरदस्त, इसका बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। आप अपनी छाइयों पे, कील मुहासों पे या फुल फेस पे भी लगाएंगे, आप सिर्फ 3 दिन लगाएं, ठीक है, आपका ऐसा ग्लो आएगा चेहरे के ऊपर, आपको खुद यकीन नहीं होगा। आप रात को लगा के सो जाएं, आप दिन में सिर्फ 1 घंटा, अगर आपके पास टाइम है आप 1 घंटा लगा लें, ये आपके ऊपर डिपेंडेड है, ठीक है। आप 3 घंटा तो लाजमी लगाएं इसको, मैं डेली इसको 1 घंटा लगाती हूँ, यकीन करें। और 1 घंटे में मेरा बहुत ज़्यादा मसला, मेरे साथ मेरे चेहरे की छाइयाँ इतनी गहरी थी यकीन करें, वो ऐसी ज़बरदस्त ठीक हुई हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त। ये इसको मिक्स सेट वेल, ठीक हो गया, अच्छे से आप इसको मिक्स कर लें। ये देखिए इस तरीके से ये लिक्विड सा बन जाएगा, ये बहुत ज़बरदस्त टेक्सचर बनता है।
कम हो रहा है तो कम डाल दे, ज़रूरी नहीं है। 3 चम्मच मैंने एलोवेरा जेल के बताए हैं और हाफ क्रीम बताई है, कोई भी स्नो क्रीम ले लें, और 5 कैप्सूल बताए हैं उसमें, ठीक है, विटामिन ई के 5 कैप्सूल, एलोवेरा जेल 3 चम्मच, और ये आपको कोई भी स्नो क्रीम आप देख लें वो लगा के इस तरीके से इसको पैक करके, आप ज़रूरी नहीं है कि फ्रिज में रखें, बाहर भी रख दें, आजकल का सर्दियों का मौसम है, अगर गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में आप इजीली जो है ना वो इसको कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको बता देती हूँ इसका जो है ना रिज़ल्ट, इसके बहुत ज़बरदस्त है, आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट है, लाजमी इसको ट्राई करें, ये आपकी चेहरे के लिए, जिल्द के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मैं इसको लगा कर दिखाती हूँ, ये देखें, इस तरीके से रब करें इसको थोड़ा सा, ये देखें, बस इसको इस तरीके से रब करके, बस थोड़ी देर, ज़्यादा देर नहीं लगानी है आपने इसको, बस थोड़ा देर लगाना है आपने, और आधे घंटे के बाद इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आने वाला है। ये देखें क्या ज़बरदस्त, इतना VIP इसका। अब ये स्किन, और ये वाली स्किन देखें मेरी ब्लैक हो रही है, लेकिन ये अब माशाल्लाह अच्छा खासे इसमें ग्लो आ रहा है, ठीक है। ये देखें दोनों में फ़र्क देखें, ये वाइट हो रही है और ये ब्लैक हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बना के इजीली रख सकते हैं, और अपनी स्किन के ऊपर डेली आप पूरा पूरे फेस के ऊपर पेस्ट करें, ये नहीं कि आपने थोड़ा सा लगा लिया और उसके बाद फिर छोड़ दिया, नहीं, आप इसको डेली इसको यूज़ करें, और डेली इसके ऊपर जो है ना आप अपना, और ये कैप्सूल जो है मैंने आपको बताया ना, कैप्सूल आपने 5 लेने हैं, ठीक है। अब ये देखें, बिल्कुल ये प्रेस हो चुके हैं, इसके अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं चीज़ें, 5 कैप्सूल विटामिन ई के, ठीक है, और एलोवेरा जेल 3 चम्मच, और ये कोई भी स्नो क्रीम आप ले लें वो हाफ जो है ना आपको बना के रेडी, ये आपका रेडी हो गया, ठीक है। अब रेडी करके फिर उसके बाद ये आप बेशक 1-2 दिन के लिए आप रख दें इसको, 3-4 दिन में आराम से ये आपका हो जाता है, उसके बाद आप इसको लेकर और जो है ना सेव करके रख लें, ठीक है। इसके ऊपर ये कवरिंग भी आ जाती है, ठीक हो गया। तो ये आप ज़रूर ट्राई करें, ये देखें कैप्सूल मेरे पास हैं लेकिन मैं इसको दिखाऊंगी नहीं, ये प्रोडक्ट है, ये देखें, ये कैप्सूल पूरी डिब्बी आप ख़रीद लें कैप्सूल की, ठीक है, ये अच्छे खासे मिल जाते हैं, ये 450-450 रुपये का कैप्सूल मिल जाते हैं, ये इसमें होते हैं 200 के करीब या 300 के करीब कैप्सूल होते हैं, 450-450 के, ठीक है। स्नो क्रीम भी इतनी महंगी नहीं है, 60-70-80 रुपये की मिल जाती है, और ये आपको भी मिल जाएगा तकरीबन 200 या 110 का। अगर आपके पास ओरिजिनल है, घर में आपका एलोवेरा लगा हुआ है, तो काइंडली घर का ही यूज़ करें निकाल के, वो जो जेल होता है वो ओरिजिनल होता है, ये भी जेल ओरिजिनल ही होते हैं, लेकिन इसमें जो है ना थोड़ा सा हम लोग कहते हैं कि ये देखें जो जो अपना दूसरा टेक्सचर होता है वो, ये देखें, ये इसका ये टेक्सचर होता है, ये आपको समझ में आ रही, ये टेक्सचर होता है, लेकिन जो ओरिजिनल की बात होती है ना वो अलग होती है। अब इसको बेशक मैं पूरे हाथों पे लगा लूँ इस तरीके से, देखें हाथ मेरे ऐसे सॉफ्ट नरम मुलायम बिल्कुल ज़बरदस्त मेरे हाथ हो जाएंगे, ये देखें किस कदर। मैं नेल्स नहीं बढ़ाती हूँ ना नेल पेंट लगाती हूँ, ठीक है, क्योंकि नमाज की इशू होता है, नमाज की वजह से, ठीक है। ये देखें इस तरीके से हाथ जो है वो सारे VIP किस्म के हो जाते हैं हमारे, सही। अच्छे जी, अच्छा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाजमी, ठीक हो गया, और ये ट्रिक लाजमी आप अपनाएं, आपके बहुत काम आएगी इस प्रोडक्ट में। अगर किसी को बनवाना है मुझसे बनवा लें बेशक, लेकिन ये आपको घर में ही ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। और साथ में मैं कह रही हूँ कैरेट जूस, गाजर का जूस आप लाजमी पिए वो आपकी, और चुकंदर का जूस, आप चुकंदर का जूस ऐसे नहीं यूज़ करेंगी, आप गाजर का जूस और चुकंदर का जूस की अलग मैं वीडियो बनाऊँगी कि वो आपको किस तरीके से लेना है, ठीक है। गाजर और चुकंदर का जूस आपको किस तरीके से लेना है और किस टाइम पर लेना है आपको, ठीक है, ये दोनों आपको ज़्यादा वो देखना पड़ेगा कि कौन कौन से, ये नहीं कि हमने ले लिया जी गाजर का जूस पी लिया किसी भी टाइम पी लिया, नहीं, वो टाइमिंग होती है, उसके अलग से मैं वीडियो बनाने वाली हूँ इंशाल्लाह कल परसों में, तो फिर आपको बता दूँगी, ठीक हो गया। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। ये मेरा लाजमी आप कील छाइयों महासों के लिए लाजमी आप यूज़ करें, ठीक हो गया, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। नया चैनल है हाउसवाइज ब्लॉगर का, ठीक है, वो इसलिए मैंने बनाया है कि चलो हम जो घर में बैठी होती है लेडीज़, हमें इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ ना ख़रीदनी पड़े, ठीक है, इसलिए हम घर में ही जो है ना ये सब चीज़ें अपनी इस्तेमाल करके अपने चेहरे के दाग धब्बे और छाइयाँ और रिंकल्स के लिए नहीं है, ये मैं पहले बता दूँ, रिंकल्स के लिए नहीं है, इसको लगा के आप छोड़ दें कम अज़ कम 3 घंटे, अगर नहीं टाइम तो 1 घंटे डेली आप एक टाइम रख लें जी, ठीक है जी, ऑफिस वर्किंग होती है या कॉलेज लाइफ होती है, 1 घंटा लगा के आप छोड़ दें बस, और आपको इस तरीके से इसका बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलने वाला है, ठीक हो गया।
अच्छा जी, अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, वीडियो लंबी ना हो जाए। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।